हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद शैलजा। आज जो रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ वो है हलवा स्टाइल नारा चिवड़ी और कोकोनट बर्फी, वो भी कुछ ही इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कोकोनट बर्फी या जिसे महाराष्ट्र में नारा चिवड़ी कहा जाता है, उसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कढ़ाई को गर्म करना है और उसमें हमें 4 चम्मच घी को गर्म करना है। घी को हमें स्लो फ्लेम पर गर्म करना है। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाए हमें उसमें 2 कप ग्रेटेड कोकोनट ऐड करने हैं। हमें गैस की फ्लेम को बढ़ाना नहीं है, स्लो फ्लेम पे ही हमें कोकोनट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ग्रेटेड कोकोनट को हमें लगभग 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे से भुनना है। ग्रेटेड कोकोनट को अच्छे से भुनने के बाद हमें उसमें 1 कप दूध ऐड करना है। दूध ऐड करने के बाद हमें इसे कोकोनट में अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को बढ़ा के हमें मीडियम में करना है और कोकोनट और मिल्क को हमें लगभग 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भुनना है। कोकोनट और मिल्क को 1 मिनट तक भुनने के बाद हमें गैस की फ्लेम को स्लो करना है और उसमें हमें 1 कप कंडेंस मिल्क ऐड करना है। कंडेंस मिल्क को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन सारे इंग्रेडिएंट को हमें 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे से भुनना है। ये याद रखिएगा, आप गैस की फ्लेम कभी भी बढ़ाइएगा मत, वरना इंग्रेडिएंट जलने के चांसेस होते हैं। अब हमें इसमें 20 ग्राम इतनी मिल्क पाउडर ऐड करनी है और मिल्क पाउडर को भी इस सब में अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, वरना मिल्क पाउडर की गुठलियाँ बनने के चांसेस होते हैं। मिल्क पाउडर और सारे इंग्रेडिएंट को हमें 1 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। मिल्क पाउडर का इस्तेमाल हम बर्फी का टेस्ट और टेक्सचर बढ़ाने के लिए करते हैं। मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 3 चम्मच शक्कर को ऐड करेंगे। अब इस स्टेज में हमें इसमें 1/2 कप दूध ऐड करना है। ये 1/2 कप दूध हमने शुगर मेल्ट होने के लिए आसानी हो इसलिए ऐड किया है। कोकोनट बर्फी बनाते वक्त हमें ये याद रखना है कि हमें शुगर को सबसे आखिर में ऐड करना है। सबसे पहले हमें कोकोनट और बाकी के इंग्रेडिएंट को अच्छे से भून लेना है। शक्कर और दूध को ऐड करने के बाद हमें इस मिक्सचर को 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे भुनना है। हमें मिश्रण को चलाते हुए भुनना है जब तक कि हमारी शक्कर डिजॉल्व ना हो जाए। जैसे ही हमने जो ऐड की हुई शक्कर है वो मिश्रण में अच्छे से मिक्स हो जाए और मिश्रण गोले का शेप में आ जाए, वैसे ही हमें उसमें 2 चम्मच इलायची और बादाम की पाउडर मिक्स करनी है और इस पाउडर को मिश्रण में अच्छे से मिक्स करके 1/2 मिनट तक चलाना है। 1 मिनट बाद आपको गैस की फ्लेम को ऑफ करनी है। बर्फी को सेट करने के लिए हमें एक ट्रे को या प्लेट को घी से अच्छे से ग्रीस करना है। ग्रीस किए हुए ट्रे में या प्लेट में हमने जो तैयार किया हुआ मिश्रण है उसे डालना है। डाले हुए मिश्रण को हमें ट्रे में अच्छे से स्प्रेड करना है ताकि जब भी हम बर्फी कट करें तभी सारी बर्फियों का शेप एक ही आकार का हो। मिश्रण को स्प्रेड करने के बाद हमें उसके ऊपर गार्निश के लिए कटा हुआ पिस्ता ऐड करना है। बर्फी को सेट करने से पहले हमें इसे पीसेस में कट कर लेना है। बर्फी को सेट करने से पहले ही हमें उसे पीसेस में कट करना होता है। कट करने के बाद हमें हर एक पीस पर एक एक बादाम ऐड करना है। हमारी नाराची बड़ी या कोकोनट बर्फी सेट करने के लिए रेडी है। हमें इस बर्फी को 7 से 8 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे सेट करना है। बर्फी सेट होने के बाद हमें बर्फी आसानी से निकले इसलिए उसके एजेस को कट कर लेना है। अगर मुमकिन हो तो इस बर्फी को रात को ही बना लीजिएगा और रात भर रूम टेम्परेचर पर इसे सेट करके अगली सुबह कट कर लीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।